कांग्रेस ने नए साल के पहले दिन से सरकार के खिलाफ उग्र तेवर अपनाने के संकेत दे दिए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले इस साल प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी ने सड़क से लेकर सदन के भीतर संघर्ष का ऐलान भी कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर बेरोजगारों से छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार देने की मांग को लेकर पार्टी युवाओं के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेगी। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में बड़े स्तर पर अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। पंचायती राज विभाग में भी नियुक्तियों में गड़बड़ी सामने आने के बाद युवा आंदोलनरत हैं। कोरोना काल में अन्य प्रदेशों से लौटे लोग सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं। उन्हें ब्याज मुक्त ऋण देने की मांग पर शोर मचा गया। हकीकत यह है कि 3,917 आवेदकों में से महज 588 को ही ऋण दिया जा सका है। सरकार बेरोजगारों का शोषण करने पे तुल चुकी है और वे असहाय महसूस कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस उनके समर्थन में मुखर होकर आवाज बुलंद करेगी।